नमस्कार, रात के 9:50 हुए हैं। दिन भर क्षेत्र भर में क्या कुछ घटा, आइए देखते हैं हमारे कैमरे की नजर से। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा, आइए नजर लेते हैं आज की इन खास खबरों पर। पहली खबर आई है बिजावर से। बिजावर के जटाशंकर धाम में जब 80 वर्षीय वृद्ध दर्शन करने के लिए गया, उसी दौरान उसके गाँव में रहने वाला एक व्यक्ति उसे मिल गया और उसने कहा कि चलो बाइक पर सवार होकर घर ले चलते हैं। उसी दौरान रास्ते में बाइक पंचर हो जाने की वजह से बाइक चालक ने तत्काल ही ब्रेक लगा दिया और वृद्ध तत्काल ही बाइक से जा गिरा, जिसकी हालत गंभीर हो गई और गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में उसे इलाज के लिए लाया गया है। 80 वर्षीय वृद्ध का नाम गणेश सिंह यादव है और बाइक चलाने वाले चालक का नाम दरबार सिंह है। जब ये दोनों बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, उसी दौरान बाइक चालक दरबार सिंह ने ब्रेक लगा दिया और जाकर वृद्ध गणेश सिंह बाइक से जा गिरा, जिससे गंभीर चोटें आ गईं। जितना भिजा लिया भिजा सके थे आ गए। ये जटाशंकर आए थे और यहाँ से जटाशंकर के घर वापसी हो रहे थे तो पीछे बैठी थी वो पंचा गया तो वो ब्रेक लगाया जो लोग गिर पाए नहीं धीरे से वो बब्बा धीरे से गिर पाए। अब दूसरी खबर आई है लवकुश थाना क्षेत्र अंतर्गत बसंतपुरा गांव की। जब एक शिक्षक यहाँ पर पढ़ाने के लिए जा रहा था बाइक पर सवार होकर, तो रास्ते में अचानक ही गाय सामने से आ गई और गाय बचाने के चक्कर में ये पीछे से आ रही बोलेरो गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिस वजह से बाइक चालक बाइक से जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे लवकुश नगर इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उसके पैर में चोट होने की वजह से और गंभीर हालत होने की वजह से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। लवकुश नगर के बसंतपुरा गाँव स्कूल जाते वक्त सामने से गाय आ गई तो हमने गाड़ी रोक दी, पीछे से बोलेरो वाले ने हमारी मार दिया। आप कैसे थे? हाँ, आप किस चीज़ से थे? हाँ, अपनी गाड़ी से दोपहिए थे, बोलेरो वाला चलना का था, थाने में गाड़ी खड़ी। अब नजर लेते हैं आज की तीसरी खबर पर। यह खबर आई है लवकुश नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बदरिया गाँव की। जब एक 3 वर्षीय मासूम घर के बाहर खेल रहा था, उसी दौरान एक बोलेरो वहाँ से निकली और उसने इसे रौंद दिया। घायल अवस्था में तत्काल ही इसे इलाज के लिए लवकुश नगर लेकर आए, लेकिन सही इलाज न मिलने की वजह से और गंभीर चोट होने की वजह से इसे तत्काल ही छतरपुर के जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है, जहां पर इसका इलाज चल रहा है। 3 वर्षीय मासूम को जब बोलेरो चालक ने रौंद दिया तो तत्काल ही इसे जिला अस्पताल तो ला ही गया है, लेकिन परिवार के लोगों ने एक आरोप लगाया है कि जो बोलेरो चालक जो कार चालक था, उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस ना दिखाते हुए दूसरे व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस दिखा करके गाड़ी को थाने में जब्त करा दिया गया है और अपना बचाव कर रहे हैं। सर, बच्चे कुछ खेल रहे थे और ये गेट के बाहर से निकला, वो मार्शल स्पीड में ले रखा था बोलेरो, उसने ना हॉर्न लगाया ना कुछ, जब बच्चा के घल गया तब उसने मार्शल क्रॉस करी, मार्शल वाला चला गया, मार्शल उसकी थाने में अपनी चौकी में बैठा जाओ, उसने अपना नाम लिखाया नहीं है जो चला रहा था, उसका लाइसेंस नहीं था, जिसके नाम लाइसेंस था गाड़ी की उसका नाम लिखा दिया उसने। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं विनोद मिश्रा, आइए नजर लेते हैं आज की इन खास खबरों पर। इन दिनों शहर की रानी तलैया पर स्थित हजरत मस्तान साहब बाबा के उर्स का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कलाम को सुनने को लेकर लोग वहां पर झूम उठे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि रहे पज्जन भैया ने कहा कि टकराव व भेदभाव से घर नहीं चलता, समाज क्या चलेगा, हमें इस टकराव व भेदभाव को खत्म करना होगा और भाईचारे के साथ भारतीय नागरिक बनकर एक साथ मिलजुल कर रहना होगा। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामकिशोर पटेरिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य अनीस खान, समाज सेवी वकील अहमद चौबे चौधरी वार्ड नंबर 26 के पार्षद अब्बास अली,
सहित तमाम लोग इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और हमें आपको एक दूसरे को सामने खड़ा किया जाता है, हमें आपको सबको समझदारी से काम लेना है। हम अपने प्रेम से मोहब्बत से इनको जवाब देंगे और इन नफरत पैदा करने वालों को, उन टकराव की स्थितियों को समाप्त करेंगे। टकराव से तो घर नहीं चलते हैं, समाज क्या चलेगा। हमको इस टकराव को खत्म करने के लिए मोहब्बत का अपना पैगाम अपने शहर में, उस अमन पसंदीदा शहर को बढ़ावा देना पड़ेगा। ये हमारा शहर संत फकीरों का शहर है, यहाँ बाबा मस्तान साहब बाबा विराजमान है, तो वहां आपा हुजूर विराजमान है। हम लोग इनके आशीर्वाद से ही इतने बड़े हुए हैं और यहाँ हम सबको मुरादें पूरी हुई हैं और आगे भी बाबा हम सबकी मुरादें पूरी करेगा। अब नजर डाल लेते हैं आज की दूसरी खबर पर। यह खबर आई है बिजावर क्षेत्र से। बिजावर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार यहां पर पहुंचे और उन्होंने जन समुदाय को संबोधित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में दलित बस्ती में पहुंचकर जन समुदाय को किया संबोधित। सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वल कर माल्यार्पण किया, तो वहीं उन्होंने बुजुर्गों के पैर छू कर लिया आशीर्वाद। माल्यार्पण से खुद सम्मानित न होकर बुजुर्गों को माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस कार्यक्रम में उनके साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता, युवा नेता रवि तिवारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। भीमराव अम्बेडकर जी की 127वीं जयंती है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हमारी जो अनुसूचित जाति समाज की बस्ती है, तो बस्तियों में जाकर हम इस कार्यक्रम को मनाएंगे और आज यहाँ पर इन सबकी गरिमा उपस्थिति में जहाँ डॉक्टर साहब की जयंती मनाने का कार्यक्रम किया, वहीं डॉक्टर साहब ने जो संदेश समाज को दिया था कि शिक्षित बनो, संस्कारित बनो। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभम सोनी और चलिए इस बुलेटिन में आपको खबर दिखाते हैं छतरपुर शहर की। छतरपुर के नौगा रोड स्थित कूलर की खस बनाने वाले गोदाम में अचानक किसी कारणों के चलते भीषण आग लग गई। इस आग की लपटें इतनी तेज थीं कि जिसे तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद आसपास के रहवासियों द्वारा आग पर काबू पाकर इसे बुझाया गया। आपको बता दें, देर रात करीब 12:30 बजे नौगांव रोड के पास कूलर की खस बनाने वाले गोदाम पर अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल मच गया। उधर मोहल्ले वालों की जानकारी मिलते ही 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास जारी किया गया, मगर आग की तेज लपटों के कारण 2 फायर ब्रिगेड भी पानी की कमी से आग को न बुझा पाए। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आसपास के लोगों द्वारा टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था कर तकरीबन 2:30 बजे आग को बुझाया गया। गोदाम में आग लगने की वजह से तकरीबन 4 लाख रुपए का नुकसान आका जा रहा है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभम सोनी और चलिए इस बुलेटिन में आपको खबर दिखाते हैं ईशानगर की। ईशानगर के रहवासी रत्नेश रिछारिया ने बताया कि उनके मकान का विवाद आसपास के रहवासियों द्वारा चलता आ रहा है। इस मकान की वजह से करीब 10 साल से उनका न्यायालय में कोर्ट में एक केस भी चल रहा है। इस केस के चलते हुए भी रहवासियों द्वारा उनके मकान की दीवार तोड़कर दुकान बनाए जाने की फिराक में लगे लोगों को जब ये जाकर मिले, तभी जाकर आसपास के रहवासियों के साथ इनके पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की तेज होने के कारण घायल पिता को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए ईशानगर उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में आते समय ईशानगर के बीच में ही वृद्ध की आकस्मिक मृत्यु हो गई। बात ये था कि हमारा एक मकान था, इस पर केस लगा हुआ था हाईकोर्ट में। तो क्या हुआ कि आज रात को, मतलब 14 तारीख की रात को, लगभग 1 बजे के आसपास हमें खबर मिली
और हम वहाँ पे पहुँचे कि कुछ गुंडे लोग जो है हमारे मकान को तोड़कर दुकानें बना रहे हैं। तो पिताजी वहाँ पे पहुँचे तो उन लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की और उनको धक्का दिया। धक्का देने पर उनकी सांस फूलने लगी और तबीयत खराब हो गई। उनने हमसे कहा कि हम सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हमने तत्काल उन्हें पास में अस्पताल में भेजा। अस्पताल वालों ने तत्काल उन्हें छतरपुर के लिए रेफर कर दिया। यहाँ पर आते ही उनकी मोनू अग्रवाल जड़ी बूटी वाला और क्या बोलते हैं रज्जाक मंसूरी टोपी और अनुज जैन और जलील मंसूरी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और चलिए इस बुलेटिन में आपको खबर दिखाते हैं ओरछा थाना अंतर्गत ग्राम टीकर की। टीकर में रहने वाले मोहन अहरवार के साथ उसके ही गांव के कुछ अन्य परिवारों के लोगों के द्वारा मारपीट कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में गंभीर रूप से घायल हुए मोहन अहरवार को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक घायल के भाई दशरथ अहरवार ने बताया कि गांव के जिन लोगों द्वारा मारपीट की गई है उनकी बहन कपूरी अहरवार की शादी 2 माह पहले पलेरा के किसी गांव में हुई थी। बीते हफ्ते ससुराल से कपूरी भाग गई। लड़की पक्ष का कहना है कि मोहन अहरवार का भतीजा सुरेश अहरवार लड़की को लेकर भागा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला कायम कर लिया है, वहीं लड़की को ढूंढने की जांच भी शुरू कर दी गई है। हमारे भाई को वहाँ नहा रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी। कैलाश, गंगा, दिनेश और लल्लू अनुराज कुमार, इन तीनों ने वहाँ को लड़कियाँ पलड़िया उनकी लड़की भागते से कह रहे थे हमारी तुम्हारा भर्ती करने गया, बोले तुम्हारा हाथ है इसमें। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और चलिए इस बुलेटिन में आपको खबर दिखाते हैं वमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पथरवा की, जहां कुछ दबंगों द्वारा शराब के पैसों की मांग करते हुए एक वृद्ध को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक गोरे लाल की पत्नी ने बताया कि गोरे लाल गाँव में अपने ही घर के बाहर बैठा था, तभी उल्दी सिंह, रवि सिंह व अरविंद सिंह गोरे लाल के पास पहुंचे और शराब के लिए पैसों की मांग शुरू कर दी। गोरेलाल द्वारा पैसे ना देने पर गांव के ही दबंगों द्वारा गोरेलाल के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसमें घायल गोरेलाल रेगवार को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर द्वारा घायल का इलाज चल रहा है। काय मारो तो दूसरी नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। इस बुलेटिन में देखेंगे रविवार की सबसे बड़ी खबर को। रविवार का दिन छतरपुर के लिए मेडिकल कॉलेज की मांग का दिन रहा। छतरपुर में 27 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद रविवार को मेडिकल संघर्ष मोर्चा की ओर से महारैली का आयोजन किया गया। शहर की सड़कों पर लोग निकले छतरपुर में मेडिकल कॉलेज को मांगने के लिए। बाजार में व्यापारियों ने स्वतः ही दोपहर 2 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखी और मेडिकल कॉलेज की मांग को अपना समर्थन दिया। शहर के छत्रसाल चौक पर मेडिकल मोर्चा की मांग पर, उसके आह्वान पर हजारों लोग इकट्ठे हुए। ये लोग छतरपुर के छत्रसाल चौक से महल, चौक बाजार, हटवारा, बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर एक आम सभा का आयोजन किया गया। रैली के दौरान तमाम बाजार बंद रहे। डीजे पर माइक से लोगों ने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज मांगने के लिए सरकार से गुहार लगाई। सरकार को बार बार ये बताया कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की कितनी आवश्यकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद 7 नए मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में खोले जाने हैं। संभावना यह है कि छतरपुर का मेडिकल कॉलेज एक बार फिर कहीं और जा सकता है। ऐसे में मेडिकल संघर्ष मोर्चा और मेडिकल संघर्ष समिति लगातार छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। 27 दिनों से शहर के छत्रसाल चौक पर धरना प्रदर्शन चल रहा था और अब इस महारैली के जरिए शहर के लोगों ने मेडिकल कॉलेज की इस मांग को बड़ा किया है।
मेडिकल कॉलेज के लिए निकाली गई इस महारैली में हजारों लोग शामिल हुए। स्कूली बच्चे और महिलाओं की संख्या भी देखने लायक थी। ये लोग रैली के माध्यम से हाथों में तख्तियां लेकर बस स्टैंड पहुंचे। पत्रकार चौक फव्वारा चौक पर एक आम सभा हुई, जहां पर लोगों ने मेडिकल कॉलेज के संबंध में अपनी बात रखी। मेडिकल संघर्ष मोर्चा की ओर से श्याम किशोर अग्रवाल, हरिप्रकाश अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, पूर्व विधायक जेपी निगम सहित सैकड़ों लोग इस महायात्रा में शामिल हुए और इसकी अपील भी इन्होंने जारी की थी। महारैली जब बस स्टैंड पर पहुंची तो यहां पर लोगों ने माइक से अपने विचार भी रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे 4 मई को, हम उनसे बात करेंगे और उससे पहले अगर आप लोग फिर चाहते हैं दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया जाए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर आप लोगों को मिलाऊंगी, वो आप लोगों को अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को साथ हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को, हमारे आत्मबल पर मैं कहना चाहती हूँ कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आज का बंद और विशाल रैली के देखकर जनता में जो उत्साह देखा गया है उससे निश्चित है कि जटापुर की जनता जटापुर में मेडिकल कॉलेज चाहती है। अगर एक महीने के अंदर विधिवत मेडिकल कॉलेज की घोषणा नहीं होती, विधिवत का मतलब जब तक कैबिनेट में मंजूर न हो जाए और उसके लिए बजट आवंटित न हो जाए जब तक संघर्ष जारी रहेगा। और आप लोग भी समझ लीजिए कि छतरपुर की जनता अब मेडिकल कॉलेज से कभी समझौता करने को तैयार नहीं है। मेडिकल कॉलेज के लिए निकाली गई ये महारैली आम जनता की रैली थी, किसी राजनीतिक संगठन या किसी अन्य संगठन का आह्वान नहीं था, मेडिकल संघर्ष मोर्चा का आह्वान था। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के लोग, सामाजिक और जातिगत संगठनों के लोग भी इस महायात्रा में शामिल हुए। राज्य मंत्री ललिता यादव भी बस स्टैंड पर इस आम सभा में पहुंची और उन्होंने सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा। मैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते, सरकार में मंत्री होने के नाते हमने जो प्रयास किया है, जैसे ही तीन संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का ऐलान हुआ, मैंने कम से कम 3-4 जगह की जमीनें भेजी ताकि वो खजुराहो क्षेत्र में आए, हम वंचित न रह पाए। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, हमारे पास रेलवे स्टेशन भी है, हमारे पास 300 बेड का अस्पताल भी है, हमारे यहाँ 5 जिलों की जनता आती है। ये सब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है, मैं सारे विधायकों को लेकर मिली थी, मैंने इनको भी न्योता दिया था कि आप लोग आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। आपको ये भी पता हो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मैं माननीय नड्डा जी से मिल के आई हूँ और अपने यहाँ की परिस्थिति बता के आई हूँ। हमारा राइट बनता है, मैं इनकी जनभावना का सम्मान करती हूँ और मैं प्रयास करूंगी, कोशिश करूंगी ताकि छतरपुर जिले में मेडिकल कॉलेज आए। आज रैली के लिए क्या समर्थन दिया? नहीं, मैंने रैली में आके मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री होने के नाते मैंने ज्ञापन लिया है और समर्थन किया है कि मैं चाहती हूँ कि मेडिकल कॉलेज आए। इसके साथ ही कांग्रेस नेता आलोक चतुर्वेदी ने भी यहाँ पहुंचकर अपनी बात कही। तमाम दूसरे दलों के नेता जैसे शिवसेना के जिला प्रमुख मुन्ना तिवारी भी यहां पहुंचे, आम आदमी पार्टी के अमित भटनागर यहां पहुंचे, व्यापारी संगठनों से लालचंद्र लालवानी, जयकुमार जैन, राजेंद्र नीखरा, मेडिकल संघर्ष समिति के राजू सरदार, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के छोटे भाई उपेंद्र प्रताप सिंह सहित सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे और अपनी बात रखी। इसके साथ ही कलेक्टर रमेश भंडारी भी इस आम सभा में पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने खुद ज्ञापन हासिल किया। और हम सब में आज इस चीज की एक भावना है कि हमारे मेडिकल कॉलेज छतरपुर का जो एक अधिकार है, एक हक है, वो हमारा मेडिकल कॉलेज हमको मिलना चाहिए। पता नहीं ये अनेक वर्षों से ये लड़ाई चल रही है, इसकी मांग चल रही है और अभी तक हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज हमको नहीं मिला। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। हमारे पास एक ट्रक चालक ने बाइक को कुचल दिया। दरअसल बाइक सवार यहां पर अपनी बाइक खड़ी करके बैठे हुए थे, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी और बाइक पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक के साथ मारपीट की और ट्रक में तोड़फोड़ भी की। इसको लेकर ट्रक चालक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। बाइक सवार हरदयाल रजक ने बताया कि वो रूसिया वेयरहाउस के पास गाड़ी
खड़ी करके उस पर बैठा हुआ था, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मारी और बाइक उछल दी, जिससे बाइक पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। हालांकि अभी तक बाइक सवार की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, कड़ी मलेरा थाने के अंतर्गत का मामला है। खड़े थे गाड़ी में बैठे थे, आगे ट्रैफिक लगी तो खड़े हो गए बंद करके गाड़ी, वो सामने से आओ चढ़ा था उन्हें, हाँ भाग गया हुआ बेरा उस वालों लगा गया अंदर, लगा गया अंदर से पता नहीं कि अंदर छुपाया कि भगा था हैं, जो भी हो लूटिंग मतलब अंदर माल डाल जा रहा हूँ उतर से ले लाया पूरी जगह नहीं। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बक्सवाहा में लगभग 40 वर्षों बाद जैन समाज के सर्वोच्च संत श्री विद्यासागर महाराज का आगमन हुआ। इस मौके पर लगभग 15,000 क्षेत्र के लोगों ने उनकी अगवानी की। इस मौके पर आचार्य विद्यासागर ने कहा कि हथकरघा अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि समाज व पंथ से भटके हुए लोग राह पर चल सकें। समाज के उत्थान के लिए और भी तमाम बातें उन्होंने अपने अनुयायियों के सामने कही। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। बढ़ते अगली खबर की ओर। ईशानगर में शशिकांत अग्निहोत्री को भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाए जाने के बाद एक रैली निकाली गई और स्वागत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वक्ताओं ने कहा कि युवा मोर्चा पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, उसे मजबूत किया जाएगा। इस मौके पर रमेश अग्रवाल, राजकिशोर त्रिपाठी, कैलाश पन्या, मुकेश पांडे, मनोज यादव सहित बड़ी संख्या में युवा लोग मौजूद रहे। बड़ा मलहरा के मंगल भवन में रैली का समापन हुआ। यहां पर एक आम सभा के माध्यम से लोगों ने अपने विचार रखे। समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, जो भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनका सभी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने हमें जिस उत्तरदायित्व जो भी उत्तरदायित्व हमें दिया है, हम ये पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत का कभी मौका नहीं देंगे। और ये वादा करते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल बड़ा मलहरा पूरे जिले में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में एक नया नाम और एक नई ऊंचाई पर जाकर इसे एक नया नाम देंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवेंद्र शुक्ला। जल अभियान जीवन आधार। जल जन जोड़ो अभियान के माध्यम से लोगों को जल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शहर के एक होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। इस मौके पर जल जन जोड़ो के राष्ट्रीय संयोजक संजय सिंह और राज्य संयोजक रूपक घोष शामिल हुए। इसके साथ ही बिजावर, खजुराहो, पन्ना, टीकमगढ़ क्षेत्रों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में लोगों को और जोड़कर उन्हें बताया जाएगा कि किस तरीके से भूमिगत जल नीचे जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तालाबों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। यहां पर राजेंद्र सिंह ने बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भी खजुराहो में अन्ना हजारे की सभा में आए हुए थे और उन्होंने वादा किया था कि ऐसे तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाएगा, बावजूद इसके इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि होटल में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर कुछ सवालिया निशान भी लगे हैं कि अक्सर इस तरह की बैठकें और बड़ी बड़ी रैलियां, सम्मेलन तो आयोजित होते हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़कर कोई भी बहुत बेहतर काम इस क्षेत्र में नहीं किया जा रहा। छतरपुर में भी काफ़ी ऐसे तालाब हैं जो कि अतिक्रमण की चपेट में हैं, लेकिन जल जन जोड़ो अभियान द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सिर्फ बैठकों और रैलियों से क्या होगा जब तक खुद ज़मीन से जुड़कर काम न किए जाएँ। इस समय बुंदेलखंड में जल संकट बहुत गहरा है। सैकड़ों गांव में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और उसके अभाव में गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और बुंदेलखंड में बढ़ते जल संकट के ऊपर आज हमने यहां पे चर्चा की और ख़ास तौर से इस जल संकट का प्रभाव समाज के ऊपर क्या पड़ रहा, इस संकट को जानने के लिए हम लोग एक वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे करेंगे। इसके बाद गांव-गांव में जल यात्राएं निकालेंगे और जो हमारे सर्वे की रिपोर्ट्स आएगी वो हम बहुत ही जल्दी प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस सरकार के जो
जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके साथ हम इस पर चर्चा करेंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि बुंदेलखंड का ये बढ़ता जल संकट है, इसके समाधान के लिए तत्काल, ये 2 महीने का टाइम है, 15 जून से पहले अधिक से अधिक जल संचयन के लिए जल संरचनाओं का निर्माण करें, उनको पुनर्जीवित करें। बिजावर में ग्राम महुआशाला के पास रेत निकालते समय अचानक ही रेत धंसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरे अन्य घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नाले से रेत निकालते समय खदान धसकने से परमलाल पिता जम्मू कुशवाहा की मौत हो गई, वहीं धर्मदास को घायल अवस्था में बिजावर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारा दुका पे आए तो लगे आज भाई फैन चल रहे हैं, हमने भी जाओ नहीं जाने तो तुम छीन में जाओ तो जो खान लो हमें नहीं जाने, हमने कहा चल भूसाधार वादी तो भूसाधार वो उधर वो लड़का फेंक दिया हमारा दुका पे कि चलो तू फिर चलूगो ट्रैक्टर बढ़िए पता हम किसका है ट्रैक्टर ट्रैक्टर हमारा दुका से तो लुभा अभी 1:30 बजे एक डेड बॉडी आई है परम लाल कुशवाहा, उम्र 38 वर्ष है और ये बताया गया है कि खदान में मजदूर गिरा है और धंस गया है, उसकी जो है एक घायल आया है, उसकी स्थिति कैसी है? उसका भी इलाज चल रहा है, छोटे हैं आंखें छोटे हैं, बाकी भी उसका इलाज कर रहे हैं। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों नए अपडेट के साथ। नमस्कार।